व्हाट इज़ अप एवरीवन, वापस से मैं आ गया हूँ सॉल्यूशन बनाने के लिए पाइथन प्रॉब्लम का। तो मैं भी यहाँ पर करूँगा क्या, यूट्यूब चैनल खोलूँगा सबसे पहले, तो उसके बाद वीडियो को पुल करूँगा कौन से वीडियो था जिसमें मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम दी थी, और उस प्रॉब्लम को फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम नंबर 5, और यहाँ पर देखता हूँ कितने लोगों ने सॉल्व किया। और सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा अभी सीरियस हूँ इस चीज़ को लेकर, और मैं कोर्स को वापस से विजिट कर रहा हूँ और बार बार देख रहा हूँ कि मैं किस तरह से आप लोग को बेटर सर्व कर सकता हूँ, प्रॉब्लम्स अच्छी दे सकता हूँ। मैं न्यूएस्ट फर्स्ट कर दूंगा पहले, और यहाँ पर जिसने सबसे पहले कमेंट मारा है उसका सबसे पहले पढ़ा जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले सॉल्यूशन बना लेता हूँ, और सॉल्यूशन बनाने के लिए के बाद मैं इसको पढ़ूंगा, ठीक है? तो कमेंट का सबको एक एक शाउट आउट दूंगा। तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5 लिख देता हूँ, यहाँ पर नया बना के प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5, ठीक है? तो प्रॉब्लम ये थी, मैंने पी वाई नहीं लिखा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इसको रिनेम कर दूंगा डॉट पी वाई। और यहाँ पर मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड में शॉर्टकट बना रखा है रिनेम का F3, लेकिन मैं चाहता हूँ रन कोड को मैं F3 बनाऊंगा, रन कोड को F3 बनाऊंगा। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरा रिनेम है रिनेम को F2 बना दूंगा, क्योंकि यार रिनेम तो F2 होता है ना, इसलिए। तो मैंने एंटर नहीं मारा, F2 एंटर। तो अब मैं F2 दबाऊंगा तो रिनेम होगा। तो ये सब चीज़ें मैं बीच बीच में बता रहा हूँ, ताकि मान लो मैं ऐसे दबाता हूँ F2 दबा रहा हूँ, तो अभी यहाँ पर ये इफेक्ट में नहीं आया है, तो मैं देखता हूँ क्या इशू है। तो मैं यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट में वापस से आता हूँ, और रिनेम सिंबल F2 है, और ये सारे F2 करता हूँ मैं। तो मैं सबको F2 कर देता हूँ, मैं अभी इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता, इसलिए मैं सबको F2 कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे आके अगर दबा के मैं इसको F2 दबाऊंगा तो रिनेम हो रहा है, और उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर प्रॉब्लम 5 में आके F3 दबाऊंगा तो ये एक्टिवेट कर रहा है एक्सटेंशन को, रन हो गया। देखो, तो इस तरह आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स को चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर एक वैन वैल्यू भी होती है, ये विजुअल स्टूडियो कोड के ट्यूटोरियल में किसी दिन बता दूंगा। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम को सबसे पहले मैं सॉल्व करने से पहले पुल आउट करूंगा, और वो प्रॉब्लम को पुल आउट करने के लिए मैं इस फोल्डर में आ जाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी इस प्रॉब्लम को खोल लिया। इस प्रॉब्लम का नाम था पैलिंड्रोमीफाई द लिस्ट, ठीक है? और इसका मतलब ये है कि आप लोग को लिस्ट, एक लिस्ट दी हुई है। तो आप लोगों को मैं एक बार पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को एक बार और। यू आर गिवेन अ लिस्ट विच कंटेन सम नंबर्स विच, और उसके बाद यू हैव टू प्रिंट अ लिस्ट ऑफ नेक्स्ट पैलिंड्रोम्स ओनली इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो अगर 10 से बड़ा नंबर है लिस्ट में तब आपको उसकी नेक्स्ट पैलिंड्रोम प्रिंट करना है, नहीं तो आप क्या करोगे, आप उस नंबर को प्रिंट कर दोगे। तो यार मैं ये कहूँगा कि ये सबसे ज़्यादा ईजी प्रॉब्लम है। अगर मैं बात करूँ ईज की, तो मेरे हिसाब से अब तक की सबसे ईजी प्रॉब्लम यही है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो पिछला हमारी प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम 4 का सॉल्यूशन था, जिसने भी नहीं देखा है वीडियो, मैं कहूँगा आप लोग देख लो यार वीडियो को, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं ये मैं सारी की सारी खुद बना रहा हूँ, और एकदम मैं ऐसे बना के चल रहा हूँ कि भाई ज़ीरो से आप लोग को स्टार्ट करूँ, ठीक है? और मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि बहुत सारे लोगों ने ये पैटर्न, कम से कम मैं कह रहा हूँ एट द वेरी लीस्ट आप ये लिखा करो, ऑथर डेट और पर्पज़ लिख दिया करो हर प्रोग्राम में, एट द वेरी लीस्ट, ठीक है? मैं यहाँ पर टाइम बचाने के लिए भले ही ना लिखूँ, लेकिन आप लिख दिया करो, ठीक है? क्योंकि कभी भी आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, पर्पज़ जो होगा आपको चाहिए होगा, डेट आप सोचोगे यार कब लिखा था, और ऑथर का नाम भी लिख दो, ताकि कोई दूसरा देखे कोड तो कम से कम उसे पता चल जाए किसने लिखा है कोड, ठीक है? कोई भी हो यार, आप ऑफिस में हो, घर पे हो, घर पे भी अगर 3-4 लोग प्रोग्रामर हैं तो मुश्किल से ऐसा होता है, लेकिन हाँ अगर हैं 3-4 प्रोग्रामर तो नाम डाल दो, एक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं अगर, तो थोड़ा बेटर रहता है, ठीक है? चलो अब आ जाते हैं वापस से सॉल्यूशन में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये दो फंक्शन यहीं से कॉपी करूँगा। अब आप कहोगे हरी भाई ये क्या कर दिया आपने, तो मैं ये फंक्शन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और मैंने समझाए ये फंक्शन किस तरह काम करते हैं, ठीक है? तो आप लोग जो है यहाँ पर प्रॉब्लम 4 का वीडियो देख लेना, अगर आप लोगों को समझना है, मैं शॉर्ट में आपको वापस से बता दूंगा। तो आप लोग यहाँ पर पाइथन ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स की प्लेलिस्ट में जाके इसको देख लेना एक बार, इसमें मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है, थोड़ा बड़ा है कोर्स, लेकिन हाँ मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इसको पूरा किया आपने तो आपको पाइथन आ जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से, और एकदम फ्री कोर्स है यार। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग को सोचना है बहुत ज़्यादा देखने से पहले कि यार मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे ये वो, ठीक है? तो यहाँ पर प्रॉब्लम 4 का सॉल्यूशन देख लेना, जिसको भी अगर ऐसा लगता है कि किस तरह हम पैलिंड्रोम निकालें, किस तरह हम लोग चेक करें पैलिंड्रोम है कि नहीं, नेक्स्ट पैलिंड्रोम कैसे निकालें, वो सब चीज़ें मैंने वहाँ बताई हुई हैं। थोड़ा मैं यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस यूज़ करूँगा, मेन लिख के एंटर मारूंगा तो मेरा इफ नेम इक्वल्स टू मेन आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इनपुट लूँगा यूज़र से। तो मैं इनपुट से पहले, लिस्ट इनपुट लेने से पहले क्या करूँगा, यूज़र से साइज मैं लूँगा। तो मैं साइज इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट लिख देता हूँ, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या दूंगा मैं यूज़र को, मैं कहूँगा एंटर द साइज ऑफ योर लिस्ट, ठीक है? ये मैंने किया। फिर मैं लिखूँगा फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पर साइज, और मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, नम लिस्ट नाम से एक बना लेता हूँ वेरिएबल, नम अंडरस्कोर लिस्ट
इज इक्वल टू ब्लैंक, तो ये एक ब्लैंक लिस्ट है फॉर आई इन रेंज साइज, और मैं यहाँ पर लिखूंगा नम अंडरस्कोर लिस्ट डॉट अपेंड, क्या अपेंड करूँ उसमें, इंट ऑफ इनपुट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट मार रहा हूँ, एंटर द नंबर ऑफ द लिस्ट, ठीक है, यानी कि नंबर को एंटर करो, एंटर द नंबर, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी होती है, उसमें क्या होता है कि आप ऑल्ट दबा के अगर क्लिक करते हो तो दो या फिर दस या जितने भी जगह जगह क्लिक करते हो आप, वहाँ पर कर्सर बन जाता है। तो मैं वो दबा के बैक स्लैश एन लगाऊंगा, एक बैक स्लैश एन एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है और एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, हालांकि ये होते लगते दो कैरेक्टर हैं लेकिन ये एक ही कैरेक्टर होता है, ठीक है। इतना रन करके देखता हूँ यार, ठीक है, सिर्फ इतना रन करूँगा, देखता हूँ कि मेरी लिस्ट में आ रहे नंबर्स या नहीं आ रहे। तो एंटर द साइज ऑफ ए लिस्ट 4 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसके बाद लिख देता हूँ यू हैव एंटर्ड, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पर लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं एफ स्ट्रिंग बनाऊँगा अभी इसको, मैं इसको एफ स्ट्रिंग बना देता हूँ, और अब मैं इसको वापस रन करूँगा तो कम से कम जो आपने लिस्ट एंटर किया वो दिख तो जाए, मान लो मैंने कुछ ऐसे किया, ठीक है। तो ये कह रहा है आपने ये लिस्ट को इनपुट किया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस लिस्ट को पैलिंड्रोमीफाई करना है, अगर ये 10 से बड़ी है, तो मैं एक बार आ जाता हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट फिर से, तो अगर 10 से बड़ी है तो पैलिंड्रोमीफाई करना है, उसकी नेक्स्ट पैलिंड्रोम को निकालना है, वरना नहीं करना है। फिर से बता रहा हूँ ये पैलिंड्रोमीफाई जो वर्ड है कहीं और आप यूज़ मत करना, ये मैंने कॉइन किया है अभी इस प्रॉब्लम के लिए, तो ये कोई जनरल वर्ड नहीं है, देखो रेड लाइन भी आ रही है इसके बीच में, मैंने बनाया है, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ लोगों के लिए, कहीं कहीं आप इंटरव्यू वगैरह में जाके ना बोल दें, तो ये मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलो यार, अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, न्यू अंडरस्कोर लिस्ट नाम से एक लिस्ट बनाऊँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस न्यू अंडरस्कोर लिस्ट में अपेंड करूँगा, अगर इस न्यू अंडरस्कोर लिस्ट में अपेंड करूँगा, मैं कहूँगा फॉर एलिमेंट इन नम लिस्ट, मैं कहूँगा इफ़ एलिमेंट इज ग्रेटर देन 10, तब हम कुछ करेंगे, बाद में देखा जाएगा क्या करेंगे, एल्स हम कुछ करेंगे, वो भी बाद में देखा जाएगा क्या करेंगे। एलिमेंट ग्रेटर देन 10 है तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पैलिंड्रोम इसकी प्रिंट कर दूंगा एलिमेंट की, और उसको क्या करूँगा, नेक्स्ट इज इक्वल टू ये कर दूंगा, और मैं क्या करूँगा, मैं काम करता हूँ एन इज इक्वल टू कर देता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, न्यू लिस्ट में अपेंड कर दूँगा, ये वन लाइनर लिख देता हूँ, मैं वन लाइनर एक्चुअली लिखना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि वन लाइनर जो होते हैं ना रीडेबल नहीं होते, डॉट अपेंड, और इसमें क्या डालेंगे हम, एन। और अगर मान लो कि हमारी जो नेक्स्ट पैलिंड्रोम, सॉरी हमारा जो एन है वो लेस देन 10 है, और यहाँ पर मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इक्वालिटी की बात नहीं कि ग्रेटर देन 10, हाँ तो लेस देन इक्वल टू आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एल्स, मैं क्या करूँगा, सिंपली कहूँगा कि आप इस नंबर को डाल दो लिस्ट में, न्यू लिस्ट में, मैंने यहाँ पर इस तरह लिखा कुछ और एलिमेंट, और मैं इस प्रिंट एफ को, सॉरी प्रिंट एफ कह रहा हूँ, एफ स्ट्रिंग को कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा योर आउटपुट, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा आउटपुट लिस्ट, F3 दबा के रन करूँगा इसको, साइज ऑफ द लिस्ट मान लो 6, तो यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स एंटर कर रहा हूँ, और ये देखो यहाँ पर आ गया 34। ये अब देखो इसने नेक्स्ट पैलिंड्रोम मुझे 34 की नहीं दी, ठीक है। तो मैं ही देख रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ यार क्योंकि यहाँ पर मैंने नम लिस्ट लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पर न्यू लिस्ट लिखना चाहिए था, और कंट्रोल से सेव करूँगा। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, थोड़ी देर के लिए इसको मैं सिर्फ 4 एलिमेंट के लिए रन करूँगा इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो सारे की सारी, अगर 10 से बड़ा है तो मुझे ये पैलिंड्रोम बना के दे रहा है, नेक्स्ट पैलिंड्रोम। अब हमने इतना बड़ा प्रोग्राम लिखा, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि हमको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम इसको वन लाइनर बना सकते थे। मैं यहाँ से अगर ये कॉपी करूँ, मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की बात की थी, अगर आप लोगों ने कोर्स देखा है तो मैं यहाँ पर लिखूँ आउटपुट लिस्ट, और यहाँ पर मैं लिख दूँ, थोड़ा सा ये वन लाइनर होगा, लेकिन हाँ ये अगर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपको मतलब यूज़ करनी है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं लिखूँगा नेक्स्ट पैलिंड्रोम, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नम अंडरस्कोर लिस्ट आई, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नम लिस्ट आई, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा इफ़ नम लिस्ट आई इज़ लेस देन 10, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ नम लिस्ट आई इज़ लेस देन 10, और फिर उसके बाद मैं लिखूँगा एल्स, एल्स क्या होगा, नेक्स्ट पैलिंड्रोम नम लिस्ट आई,
और उसके बाद मैं फॉर लिखूंगा फॉर आई इन रेंज साइज, जो हमारी लिस्ट का साइज है वो, ठीक है। F3 दबा के रन करता हूँ, साइज चार लिस्ट का, कुछ एलिमेंट्स एंटर करता हूँ और ये देखो मेरी आउटपुट लिस्ट आ गई है। तो देखा आप लोगों ने कि मैंने किस तरह वन लाइनर लिखा इसमें, और वन लाइनर मैंने जब लिखा तो वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ किया। अब अगेन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जो है थोड़ी कम रीडेबल होती है, मैं वापस से आप लोग को बता रहा हूँ। और यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँगा कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो होती है वो एक लिस्ट रिटर्न करती है। तो मैंने एक वन लाइन में लिस्ट बनाई, लेकिन ये सिंटेक्स समझ में आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप सही से पाइथन को ना सीख लो, इसलिए मैं कहूँगा आप सही से पाइथन को सीखो। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जनरेटर कॉम्प्रिहेंशन, सारे कॉन्सेप्ट को तोड़ तोड़ के मैंने बताया हुआ है। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग से शुरू किया है और सीधे आपको लेकर गया हूँ मैं, पूरी सीरीज़ मैंने कराई है, पूरा शुरू से आखिर तक कोर्स कराया है। तो मैं ये कहूँगा कि यार आप मिस मत करना ये कोर्स, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहना चाहूँगा यहाँ पर आपके साथ, और मैं यही चाहता हूँ दिल से कि सब लोग इस कोर्स को पूरा करें। और कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछें या नीचे आप कमेंट कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दो तरीके बताए लिस्ट रिटर्न करने के, जो आउटपुट लिस्ट थी, एक तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से वन लाइनर, अगर आप एक्सपर्ट हैं और आप समझ सकते हैं कोड को, देख सकते हैं, एक्सपर्ट कहना नहीं मतलब एक इंटरमीडिएट आपको है एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत, तो आप हाँ समझ लोगे ठीक है नमलिस्ट आई हो रहा है अगर ये, वरना ये हो रहा है फॉर आई इन रेंज साइज। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि आपका प्रोग्राम एक एक लाइन आप समझो प्रोग्राम की, तब मैं कहूँगा आप ये यूज़ करें। कभी भी कॉम्प्रेस नहीं करनी चाहिए प्रोग्राम को, कभी भी कॉम्प्रेस नहीं करना चाहिए। जो नंबर ऑफ लाइन्स है उनको कम करना जो है एक अलग चीज़ होती है, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना अलग चीज़ होती है। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कम कर पा रहे हो, लूप्स वगैरह घटा पा रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन ये जो सब चीज़ें होती हैं ऑलमोस्ट सब सेम टाइम में रन करती हैं, तो जो चीज़ें सेम टाइम में रन कर रही हैं उस पर आप लोगों को टेंशन नहीं लेना चाहिए, यही कहूँगा मैं। और मैं ये कहूँगा कि यार आप लोग प्रैक्टिस करते रहो प्रॉब्लम, और मैं आप लोगों के लिए और प्रॉब्लम्स बनाऊंगा, और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स PDF में मैं जल्दी अवेलेबल करवा दूंगा। और मैं ये कहूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन से सब लोग लिंक को ग्रैब कर लेना, वहाँ पर आप लोग को एक लिंक मिलेगा और उसमें मैं आप लोग को ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूंगा। अब आ जाता हूँ शाउट आउट देने के लिए सबको, तो यहाँ पर शाउट आउट तो दिया ही नहीं कहेंगे लोग, तो मैं दे देता हूँ शाउट आउट। यार सबको शाउट आउट मिलेगा मैंने जैसे ही बोला है, ठीक है। तो SM गेमिंग को शाउट आउट, अभिराज, खादिम हुसैन, और उसके बाद अरविंद चौहान, आलोक भौमिक, और मेंस सॉल्यूशंस को बाद में देखूंगा, मौला मदीना, अनीश जैन, RJ वायरल्स, और यहाँ पर RJ वायरल्स ने नाम नहीं लिखा है, और सिद्धेश महात्रे, अनीश जैन को एक बड़ा शॉट आउट क्योंकि इन्होंने सॉल्व किया है, उसी के साथ साथ आलोक भौमिक को एक और शॉट आउट दूंगा फिर से, क्योंकि आलोक ने सॉल्व किया है और आलोक बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर रहे हैं। मैं सारे के सारे सॉल्यूशन देख रहा हूँ, आलोक कुछ भी कमेंट होगा तो रिप्लाई करूँगा, ठीक है। फिर अनीश जैन है, सन्यम सिंगल है, और एनोनिमस ने देखो यूज़ किया हुआ है जिस तरह मैंने बताया था। और ये यार मतलब काफ़ी अच्छी लगती है सब चीज़ें, जब आप फॉलो करते हो चीज़ों को और अच्छी चीज़ों को लेते हो, तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार मेरी बात भी मानी जा रही है, और काफ़ी यार बढ़िया लगता है। और मैं आप लोग को सिखाकर मतलब कितना अच्छा फील करता हूँ आप लोग को मैं बता नहीं सकता। मुझे भी ये सब चीज़ें किसी से सीखने को मिली हैं, और मैंने मुश्किल तरीके से सीखी हैं, और मैं इसीलिए चाहता हूँ कि आप लोग आसान तरीके से सीखें। तो यार मैं ये कहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें, प्रैक्टिस इज़ द की। कोई आपको कितने भी शॉर्टकट्स दिखा दे, कोई कितना भी बोल दे आप लोगों से कि एक मिनट में सीख लो, दो मिनट में सीख लो, दो चार मिनट में सीख लो पाइथन, मैं यही कहूँगा कि जितनी प्रैक्टिस आपकी रहेगी उतना आप लोग जो है अच्छे से प्रोग्राम कर पाएंगे। टाइम जितना ज़्यादा देंगे आप इस चीज़ को उतना अच्छा आप लोग कर पाएंगे। अभी के लिए बस यही कहूँगा कि यार इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोग इस सीरीज़ को शेयर करें अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं और दिल से चाहते हैं कि मैं पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर्स, पाइथन में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो पाइथन का बेसिक कोर्स है उसको आप लोग शेयर करें। और शेयर आप लोगों को क्या करना है, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहना चाहता, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप लोग अभी के अभी अपना फ़ोन उठाएं, और फ़ोन उठाने के बाद आप लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप है आपका या फिर फेसबुक का ग्रुप है जिसमें कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि उसमें आप लोग वीडियो को पोस्ट करें, इस प्लेलिस्ट के लिंक को उठा के यहाँ से जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पोस्ट करके लोगों को बताएं कि हिंदी में कोर्स अपलोडेड है यूट्यूब पे ये, तो उससे क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, और मैं इस तरह के और कोर्सेज आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो जितने भी लोगों ने अभी ऐसा किया, मेरी बात सुनकर फ़ोन उठाकर शेयर किया, मैं उनसे तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह के कोर्सेज मैं बनाता रहूँगा, इस तरह के कोर्सेज अपलोड करता रहूँगा। और कमेंट में मुझे आप बताते रहना कौन सा कोर्स देखना है आपको, जल्दी से जल्दी आप लोग को कोर्सेज मिल जाएंगे। और अभी के लिए यार इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कोड आप लोग को दे दूंगा वेबसाइट में, नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।